15 मई 2017 यानी 2 महीने पहले हमने आपको हरियाणा के रेवाड़ी की एक कहानी दिखाई थी, आपको याद होगा, जिसमें स्कूल को 10वीं से 12वीं तक करने की मांग को लेकर छात्राओं ने अनशन किया था। काफ़ी किरकिरी और एबीपी न्यूज़ पर खबर दिखाए जाने के बाद खट्टर सरकार ने आखिरकार छात्राओं की बात मान भी ली थी। लेकिन 2 महीने बीत जाने के बावजूद हरियाणा की ये बेटियाँ पढ़ नहीं पा रही हैं, क्यों? उनका भविष्य अंधकार में है। वजह बताते हैं आपको, वजह है स्कूल में टीचर्स का ना होना, टीचर्स की कमी। ऐसे में एबीपी न्यूज ने दोबारा से बेटियों के साथ हो रहे इस सरकारी धोखे की पड़ताल की है। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा रेवाड़ी गई और उन्होंने वहां क्या देखा, आप खुद भी देखिए इस रिपोर्ट में। जिन छात्राओं ने अपने मूल हक को लड़कर लिया हो, वो छात्राएं दोबारा धरने पर क्यों हैं? जिन छात्राओं ने सरकारी मदद को लात मारी हो, वो छात्राएं दोबारा धरने पर क्यों हैं? जिन छात्राओं ने शिक्षा के लिए जान की बाजी लगा दी हो, वो छात्राएं दोबारा धरने पर क्यों हैं? जिन छात्राओं ने अपनी जिद के आगे सिस्टम को झुकाया हो, वो छात्राएं दोबारा धरने पर क्यों हैं? जिन छात्राओं ने बहरी सरकार की घंटी बजा दी हो, वो छात्राएं दोबारा धरने पर क्यों हैं? हरियाणा के रेवाड़ी के गोठड़ा टप्पा गांव की बेटियों के संघर्ष की ये दो तस्वीरें हैं। मई में ये बेटियां अपने स्कूल को 10वीं से 12वीं करने की मांग को लेकर धरने पर बैठी थी। इन छात्राओं का आरोप था कि 4 किलोमीटर दूर जिस स्कूल में इन्हें पढ़ने जाना होता है, उसके रास्ते में इनसे छेड़खानी होती है। काफी धरना प्रदर्शन के बाद खट्टर सरकार ने इनकी ये मांग मान ली। अब सवाल ये है कि ये बेटियां दोबारा धरने पर क्यों बैठी हैं? तो इसका जवाब आपको धरना दे रही ये छात्राएं ही देंगी। सर, हमारे टीचर अभी तक नहीं आए और हमारे स्कूल का पीरियड 3 महीने हो गए हैं और हम ही चाहते हैं कि हमारे टीचर आ जाए और हमारी पढ़ाई भी खराब हो रही है और समय निकलता जा रहा है और हमने सोचा नहीं था कि हम दोबारा धरने पर बैठेंगे, लेकिन सरकार ने हमें मजबूर कर दिया धरने पर बैठने के लिए। इसलिए हमें अपने जब तक हमारे टीचर नहीं आ जाएंगे तब तक हम बैठे रहेंगे। कितने टीचर थे पहले? टीचर पहले 8 थे और उनमें से भी अभी कम हो चुके हैं। सरकार ने तो अभी यही घोषणा दी थी कि 2-3 दिन बाद टीचर भी आ जाएंगे और लेकिन अब 2-3 महीने हो गए लेकिन टीचर अभी तक नहीं आए और उन्होंने 3 दिन के लिए कही थी कि 3 दिन बाद टीचर आएंगे। हम धरने पे इसलिए बैठे हैं, +1 के टीचर नहीं है अभी तक, कह रहे हैं साइंस नहीं आएगी यहाँ पे, कॉमर्स नहीं आएगी, आर्ट ले कोई साइंस वाला टीचर कवर नहीं पढ़ने के लिए जाएगा, कॉमर्स वाला कवर नहीं पढ़ने के लिए जाएगा, उसका कहाँ कहाँ जाएंगे, टीचर पूरे नहीं है अभी तक। तो कब तक बैठे? जब तक स्कूल अपग्रेड तो हो गया लेकिन टीचर अभी तक नहीं आए, टीचर नहीं आए तब तक बैठना पड़ेगा। छात्राओं ने ये भी दावा किया कि स्कूल अपग्रेड होने के बाद 8 में से 4 टीचर ही रह गए हैं, बाकी टीचर का ट्रांसफर हो गया है, यानी धरना प्रदर्शन से स्कूल तो अपग्रेड हो गया लेकिन शिक्षा की रोशनी से ये बेटियां दूर ही रही। तो क्या इस सबका मुजरिम सिस्टम है जो इन्हें बार बार क्लासरूम से सड़क तक आने को मजबूर कर रहा है? इसकी पड़ताल करने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा रेवाड़ी के स्कूल पहुँची। एक बार फिर से चर्चा का विषय बना है और वो इसलिए क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि स्कूल की कई छात्राएं स्कूल अपग्रेड हो जाने के बाद भी स्कूल को छोड़कर जा रही हैं। आखिरकार क्या वजह है और इसमें कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए एक बार फिर हम इसी स्कूल में आ पहुंचे हैं। तो आइए चलते हैं। हमने सीधे स्कूल के स्टाफ से बातचीत की और पूछा कि स्कूल के अपग्रेड होने के बाद ऐसा क्या हुआ जिसने टीचरों की संख्या को आधा कर दिया। लगातार ये कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि जब अपग्रेड हुआ स्कूल उसके बाद टीचर छोड़ के गए, इसमें कितनी सच्चाई? ये बिल्कुल निराधार है।
टीचर प्रमोशन के ऊपर गए हैं, स्कूल अपग्रेड होने के बाद कोई टीचर यहाँ से नहीं गया है, अपितु एक टीचर यहाँ पे लेक्चरर हिंदी आया है, पहले भी आया था, सरकार ने उनको रिवर्ट कर दिया था, वापस चले गए, तब फिर यहाँ पे आ गए। स्कूल प्रशासन भले ही टीचरों की कमी के लिए प्रमोशन की दलील दे, लेकिन हकीकत यही है कि स्कूल में टीचरों की किल्लत है। इस स्कूल को पिछले साल जून से गणित के एक शिक्षक की जरूरत है, दिसंबर से विज्ञान के दो और सामाजिक विज्ञान के एक टीचर की आवश्यकता है। यही नहीं, इस स्कूल में करीब दो साल से पीटीआई का टीचर नहीं है। इस तरह 12वीं तक अपग्रेड हुए इस स्कूल को 5 टीचरों की तत्काल जरूरत है, लेकिन यहाँ 9 के बजाय सिर्फ 4 टीचरों से काम चलाया जा रहा है। टीचरों की कमी का शिक्षा पर क्या असर होता है, ये आपको इसी स्कूल के बच्चे बताएंगे, जिनकी पढ़ाई को सिस्टम ने मजाक बना दिया है। मैंने ये सुना है, लगातार खबरें आ रही हैं, कल भी यहाँ स्कूल में थोड़ा बहुत हंगामा किया था छात्राओं ने, कि यहाँ पर टीचर्स की कमी है। मोहित, क्या वाकई टीचर्स की कमी है? आप लोग कैसे पढ़ते हैं फिर? यस मैम, हमारे टीचर की कमी है। हमारे हेडमास्टर सर, सतीश सर और वो वीरेंद्र सर, ये हमारी घंटी अटेंड कर रहे हैं। मैथ के टीचर नहीं है, साइंस के नहीं है, सोशल साइंस के नहीं है, फिजिकल के टीचर नहीं है, ये हमारी घंटी को अटेंड कर रहे हैं, लेकिन हमारी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। 3-4 महीने से टीचर्स नहीं है? यस मैम, 3-4 महीने से टीचर यहाँ नहीं है, फिर भी सर हमारी पढ़ाई पूरी करवा रहे हैं, हर बार आ रहे हैं, घंटी भी खाली नहीं छोड़ने दे रहे हैं, फिर भी हम टीचर मंगवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस स्कूल में टीचर भर्ती क्यों नहीं किए जा रहे? ये सवाल जब हमने स्कूल प्रशासन से पूछा तो हमें ये जवाब मिले, जिन्होंने सिस्टम की कमी को छिपाने के चक्कर में उसे पूरा नंगा कर दिया। जितना मैं कर सकता हूँ कर रहा हूँ, मेरा यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, लेकिन फिर भी मैं खुद क्लास लेता हूँ। टीचर ही नहीं है तो पढ़ा क्या पाऊंगी? देखो सब जगह थोड़ी बहुत जब चेंज का सिस्टम होता है उसके अंदर जब गुजरते हैं तो थोड़ा बहुत, अब जाहिर सी बात है जब प्रमोशन होंगे तो वो जगह खाली होगी, लेकिन कुछ टाइम बाद मतलब हो जाएगा। अधिकारी संसद आपकी बात हुई इस चीज़ को लेके कि आप ताला लगाएंगे? नहीं, किसी की बात नहीं, मैंने मेरी अपने अधिकारी, हाँ डी ओ वगैरह से किसी, मैंने अभी बता दिया कुछ नहीं, आने के बाद मुझे देख के तो डी ओ मिला मैसेज करें, वो बोले आज पेपर है, और ये तो वो भी कहने लगे कि भैया आपको पता है ट्रांसफर प्रोसेस चालू है और एक हफ्ते में सारा कुछ हो जाएगा, आप उनको समझाने की कोशिश करो। देखो जितना मैं कर सकता हूँ कर रहा हूँ, मेरा यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, लेकिन फिर भी मैं खुद क्लास लेता हूँ। तो आप इनकी बातें सुनकर समझ गए होंगे कि ये क्या पढ़ा रहे होंगे और बच्चे क्या सीख रहे होंगे। आपको टीचर भर्ती न करने के सरकारी बहाने को बताएं, उससे पहले ऐसे टीचरों के होने वाले साइड इफेक्ट को देख लीजिए। ASER के 2016 में किए गए सर्वे के मुताबिक कक्षा 3 के सिर्फ 42.5% बच्चे ही पहली कक्षा की किताबें पढ़ पाते हैं। 8वीं कक्षा के 27% बच्चे दूसरी कक्षा की किताबें पढ़ नहीं पाते। 3री कक्षा के 27.7% बच्चे ही 2 अंकों का घटाना कर सकते हैं। सरकारी स्कूलों में तो सिर्फ 3री कक्षा के 20% बच्चे ऐसा कर सकते हैं। 5वीं क्लास के 26% बच्चे ही भाग दे सकते हैं। 8वीं कक्षा के 43.3% बच्चे 3 अंकों का भाग दे सकते हैं। 3री क्लास के 32% बच्चे ही साधारण अंग्रेजी के शब्द पढ़ सकते हैं। 5वीं क्लास के 24.5% बच्चे ही अंग्रेजी के साधारण वाक्य पढ़ सकते हैं। तो ये देश की हकीकत है जिस पर हमारे सिस्टम को शर्म आनी चाहिए, लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए कि जिनके कंधों पर इसकी जिम्मेदारी है उनकी आंखों में पानी खत्म हो चुका है। इनसे मिलिए, ये जिला शिक्षा अधिकारी धर्मवीर बलडोदिया है। जब हमने इनसे पूछा कि पिछले एक साल से टीचर्स के खाली पड़े पद क्यों नहीं भरे जा रहे हैं, तो ये जवाब देने के बजाय भड़क गए। रेवाड़ी जिले के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर धर्मवीर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। धर्मवीर जी, स्कूल की हालत आप जानते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जहां लड़कियों ने अनशन करके उसे अपग्रेड करवाया था, अभी वहां पर शिक्षकों की कमी है, उसे क्यों नहीं सुधारा जा रहा? नहीं, शिक्षकों की कोई कमी नहीं है, शिक्षक हैं, 3 लेक्चरर्स हैं। आपके हिसाब से कमी नहीं है, लेकिन स्कूल में पिछले साल ही 4 टीचर्स छोड़ के गए, जिनके पद अभी तक खाली पड़े, वहां कोई टीचर नहीं आया? कहां छोड़ के गए, प्रमोशन पे तो जाएंगे, अभी ऑनलाइन ट्रांसफर्स होने हैं, उसमें यस और नो का ऑप्शन टीचर्स ने डाल रखा है, जैसे ही 27 के बाद में आ जाएंगे। जो नियम क्या कहता है, कितने समय में वो पद भर जाने चाहिए थे? ऐसा है, अब हमारी सरकार ने
नियम कानून अलग से इस सिस्टम से बना रखे हैं कि जो भी ट्रांसफर होंगे सब ऑनलाइन होंगे, मैनुअल खत्म कर दिया है। कितना समय लगता है इस प्रक्रिया में सर, क्योंकि अभी पिछले साल के गए हुए टीचर्स अभी तक नहीं भर पाए हैं और यहाँ पर अपग्रेड, सर स्कूल का रिकॉर्ड देखा है हमने, पिछले साल से टीचर वहाँ गए हुए हैं और अभी वहाँ पर पिछले साल तो 4 टीचर छोड़ के गए, अब 6 की जरूरत है, क्या हो रहा है मतलब? ये हमने देखना है, सरकार ने देखना है कि कहाँ पर क्या कमी और कमियों को पूरा कर रही है सरकार। ऑनलाइन सिस्टम के हिसाब से जो ट्रांसफर में जो स्कूल जो चुनता है लेक्चरर टीचर, वो स्कूल उसे मिल जाता है। मैं जानना चाह रही हूँ किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। जो टीचर अब जैसे ऑनलाइन ट्रांसफर है, नहीं भरेगा तो कैसे आएगा? अपनी गलती न मानना ही सिस्टम की पुरानी आदत है। जिन लोगों को छात्र छात्राओं की शिक्षा सवारने के लिए सैलरी मिलती है, वो शिक्षा को हो जाएगा देख लेंगे जैसे बहानों से हाँक रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि इसका खामियाजा देश के भविष्य को चुकाना पड़ता है। ये बात आपको सुजाता बताएंगी, जो उन 13 मर्दानियों में शामिल थी जिन्होंने अनशन को हथियार बनाकर सिस्टम से जंग लड़ी थी। नेताओं का दिया पानी तक त्याग दिया था। अब सुजाता आपको बताएंगी कि जिस स्कूल को 12वीं तक करवाने के लिए इन्होंने इतना कुछ किया, उसमें 11वीं और 12वीं की कक्षा में इतने कम बच्चे कैसे हैं? तो बहुत सारे बच्चे आए थे, पर जब टीचर नहीं आई साइंस और कॉमर्स के, और बच्चों को साइंस और कॉमर्स लेना होता है, सबका इंटरेस्ट होता है जो भी कुछ में लेता है, तो उन्हें वो मतलब फैसिलिटी यहाँ पर नहीं मिली, तो वो कमाल ही चले गए, इसलिए हमारे स्कूल के जो स्ट्रेंथ हो कम हो गए। तो क्या मतलब अब क्या करने वाली हैं? आपकी दोस्तों से कुछ बात हुई है, वो क्या करेंगी? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं टीचर का इंतजार, लेकिन जब एक बार एडमिशन का भी एक लास्ट आखिरी डेट होता है, उसके बाद फिर आप लोग क्या करेंगे? मैम अभी तो टीचर्स से हमने पूछा, मतलब हमारे हेडमास्टर हैं प्रिंसिपल हैं, उनसे पूछा, 28 तारीख को वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र होते हैं, तो 28 तारीख तक वेट करो और नहीं तो फिर अपना एडमिशन और कहीं करवा लो, क्योंकि यहाँ पर साइंस कॉमर्स नहीं आने वाली। यानी एक तारीख बता दी गई है और भरोसा नहीं कि उस तारीख पर भी कुछ होगा या नहीं। ये उस राज्य की कहानी है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की नींव रखी गई। लेकिन हमारा सवाल ये है कि जिस राज्य में बेटियों के संघर्ष का कोई बोल ना हो, अफसर को अपनी जिम्मेदारी का एहसास ना हो, संविधान के दिए हक को पाने के लिए सरकार को बार बार झकझोरना पड़ता हो, उस राज्य में क्यों पढ़ेंगी बेटियां? इसलिए हम आपसे वायदा करके भूल जाने वाली सरकार की घंटी बजाने की गुजारिश कर रहे हैं। हरियाणा के रेवाड़ी से प्रतिमा मिश्रा की रिपोर्ट। और जब बात हरियाणा की चली है तो यहाँ ये भी जान लीजिए कि हरियाणा में ही पीएम मोदी की दूसरी महत्वाकांक्षा वाली योजना सवालों में है। इसके लिए भी सिस्टम जिम्मेदार है। देखिए रिपोर्ट। खुले में शौच ना जाने के लिए झुग्गी वालों को धमकाते दिख रहे ये शख्स हरियाणा के फतेहाबाद के SDM सतबीर जांगू हैं। जिस शौचालय के इस्तेमाल का दबाव बनाया जा रहा है वो भी देख लीजिए। दरअसल कागजों पर फतेहाबाद को ODF यानी खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया है। इसकी पड़ताल के लिए केंद्र की टीम फतेहाबाद आ रही है, तो SDM और उनका अमला सक्रिय हो गया है कि इस दौरान कोई खुले में शौच करता ना दिख जाए। धमकी को लेकर SDM सतबीर जांगू से मीडिया ने सवाल किया तो वो सीधे सीधे मुकरते नजर आए। मैंने कहा था आप टॉयलेट यूज करो, उसको खूब समझाया। लास्ट में मैंने ये भी कहा अगर आप टॉयलेट यूज नहीं करोगे तो आपको यहाँ से उठा देंगे। उठा ले जाऊंगा कि ऐसी कोई उठा ले जाऊंगा नहीं, यहाँ से उठा देंगे आपको। जो रह रहे हैं लोग उनको उनको शिफ्ट कर देंगे वहाँ से, क्यों बिल्कुल आबादी के साथ है। पांच साल में एक बार नहीं, राष्ट्र निर्माण में रोज करो मतदान, घंटी बजाओ। देश के सांसदों और विधायकों के फोन भत्ते वाले स्वार्थ चरित्र की कल हमने घंटी बजाई थी और देश की जनता ने भी अब इस मुद्दे पर हमारी आवाज को बुलंद किया है। इनको कोई हक नहीं है जनता के पैसे पे, ये कुछ बेनिफिट्स लेते हैं, और जब इनसे पूछो कि आप राजनीति में क्या करने आ रहे हैं तो कहेंगे कि हम सोशल सर्विस करने आ रहे हैं, हम लोगों की सेवा करने आ रहे हैं। इनकी जो सैलरी होती है ना वो भी रोक दीजिए, तो अपने आप ही ये जो ऊट पटांग ये जो चीज़ें करते हैं ना इस संसद के अंदर, तो वो सब रोकनी चाहिए क्योंकि इसमें जनता का पैसा लगता है। सांसदों का भत्ता तुरंत खत्म कर देना चाहिए। सिटीजन को अधिकार होना चाहिए कि हम अपने टैक्स में से
इनके भत्तों के लिए एक भी पैसा दें या ना दें। कड़ी निंदा करते हैं और सारे एक्सपेंसेस बेसिस में आने चाहिए इन लोगों के। जनता का पैसा है, जनता के पास ही पहुंचना चाहिए। नेताओं की घंटी बजाओ। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं। ये है ABP News, आपको रखे आगे।